हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ कि आप अच्छे से होंगे और आपको संधि का दो पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, व्यंजन संधि और स्वर संधि। आज इसका थर्ड पार्ट विसर्ग संधि मैं आपको पढ़ाऊंगी, तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे विसर्ग क्या होता है बच्चों? ये विसर्ग जो है वो संस्कृत भाषा के शब्दों में ही प्रयोग किया जाता है। जैसे तमह प्लस गुण, तो ये हो जाएगा तमो गुण। जब ये विसर्ग आता है तो उसका जो ओ की मात्रा में अंतर्गत, ओ की मात्रा में, र में, ये अभी आपको हम बताएंगे। तमह गुण यानी कि तमो गुण, तप वन तपोवन, मन बल मनोबल, मन रंजन मनोरंजन, पुनः मिलन पुनर्मिलन, अंतः गत अंतर्गत। तो हमने कुछ वर्ड देखे विसर्ग संधि के, अब हम क्या करेंगे? विसर्ग संधि के नियम पढ़ेंगे। विसर्ग संधि के प्रमुख नियम निम्नलिखित हैं। विसर्ग संधि, यदि विसर्ग आ के बाद आता है तो सघोष विसर्ग आ के बाद सघोष व्यंजन आया हो तो विसर्ग ओ हो जाता है। ठीक है, सघोष और अघोष में मैं अच्छी तरह से आपको अंतर बता चुकी हूँ। अघोष में स्वर तंत्रिका यानी कंठ में हमारा कंपन नहीं होता और सघोष में कंपन होता है। अघोष में नहीं होता, सघोष में कंपन होता है। ठीक है, अधः भाग यानी कि अधोभाग, तमः गुण तमोगुण, तपः वन तपोवन, मनः बल मनोबल। अब देखिए ये सघोष व्यंजन है, भा ग व, आप बोल के देखिए ब कंपन होगा। ठीक, इसीलिए यहां पे ओ हो गया है। यहां पे भी ल ग य र कंपन हो रहा है, तो इसलिए यहां पे ओ की मात्रा में ये कन्वर्ट हो गया, मनोरंजन मनोरंजन। अब है यदि अ के और इही और ऊ के बाद यदि च छ या श आए तो विसर्ग शा में बदल जाता है। जैसे पुनः दुह निह, यानी कि आ ई और ऊ की मात्रा के बाद अगर विसर्ग है और उसके बाद च छ या श ये आया हो तो वो आधा श यानी कि शमल आधे में बदल जाता है। जैसे पुनः चर्या पुनश्चर्या, दुचरित्र दुश्चरित्र, निःछल निश्छल, हरिचंद्र हरिश्चंद्र, दुःशासन दुःशासन, निःचल निश्चल। ठीक है, नियम नंबर तीन, पुनः और अंतः से बने शब्दों के बाद सघोष व्यंजन आए तो विसर्ग बदलकर रा हो जाता है। जैसे अंतः गत, अभी सघोष से ग, अंतः गत अंतर्गत, अंतः राज्य अंतर्राज्य, पुनः उद्धार पुनरुद्धार, अंतः देशीय अंतरदेशीय, पुनः मिलन पुनर्मिलन, पुनः आगमन पुनरागमन। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से आप इसको लर्न करेंगे। ठीक है, एक एक नियम आप बार बार पढ़ेंगे, बार बार करके देखेंगे, आपको आ जाएगा। नियम नंबर फोर, यदि ई और ऊ के बाद जैसे निह और दुह सघोष ध्वनि हो, सिर्फ ध्वनि, तो रा में बदल जाता है। जैसे नि आशा निराशा, नि उत्तर निरुत्तर, दु उपयोग दुरुपयोग, नि गुण निर्गुण, नि अपराध निरअपराध, दु बुद्धि दुर्बुद्धि। ठीक है, फिर नियम नंबर पांच है, आ ई और उह के बाद तथा त थ स आए तो विसर्ग का स हो जाता है। जैसे कि मन ताप मनस्ताप, नि तेज निस्तेज, दुतर दुस्तर, निसहाय निसहाय निस्सहाय, निसंकोच निसंकोच, आधा सा हो जाता है। देखिए आधा सा है ना, ध्यान से देखना, मन ताप मनस्ताप। फिर है आपका नियम नंबर छह, यदि अह के बाद क ख प फ आए तो विसर्ग ज्यों का त्यों बना रहता है। जैसे अंतःकरण अंतःकरण, मना कल्पित मना कल्पित, अधपतन अधपतन, प्रातःकाल प्रातःकाल, ध्यान रखना आ के बाद क ख प फ आए तो ऐसे एज इट इज रहेगा, कोई अंतर नहीं होगा। नियम नंबर सेवन, यदि नमः और पुरुह के बाद क ख प फ आए तो, नमः और
पूर्व के बाद। जैसे नमस्कार तो आधा से हो जाएगा फिर से, नमस्कार पुरस्कार। ठीक है बच्चों, अब है इसका नियम नंबर 8। यदि इह उह के बाद प फ क ठ ठ आए तो विसर्ग क श हो जाता है। जैसे निपाप निष्पाप पाया, निठुर निष्ठुर, विसर्ग का क्या हो जाएगा, आधा से बन जाएगा श षटकोण वाला। निकपट निष्कपट, निकाम निष्काम, निफल निष्फल, दुःकर दुष्कर। अब इसका लास्ट और 9, यदि ई के बाद र आया तो ई बदलकर बड़ी ई हो जाता है। जैसे निरोग निरोग, नीरस नीरस। ठीक है, आप इस बात का ध्यान रखना, ये जो नियम है इनको आप बार बार लर्न करेंगे अच्छे से, तभी आपको इनमें प्रैक्टिस होगी, नहीं तो आपको ये बहुत मुश्किल लगेंगे, जबकि मुश्किल कुछ नहीं है बेटो बच्चों, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस एक बात ध्यान रखना, सघोष व्यंजन कौन से हैं, अघोष व्यंजन कौन से हैं, मूर्धन्य वर्ण कौन से होते हैं, ये सब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी इसमें मुश्किल कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैं आशा करती हूं कि आपको संधि समझ में आ गई होंगी। ठीक है बच्चों, ओके बाय।